वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी इंडियन मुस्लिम बिहेवियर एंड मेंटेलिटी, पाकिस्तानी ऑथर अरशद महमूद का भारतीय मुसलमानों के नाम एक पैगाम है। आइए मिलकर देखते हैं जबरदस्त सा वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म का मिस यूज किया। भाई तुम हो कौन? तुम अपने लिए और दुनिया के लिए कर क्या रहे हो? क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, तुमने दिया क्या है इंसानों को? दे क्या रहे हो? ये है आइडेंटिटी जो दुनिया में जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है जो दुनिया। अच्छा जी, देते भी कुछ नहीं है, इनके पल्ले भी कुछ नहीं है, इनकी कोई कोई हुनर नहीं है इनके पास, ना ये लेते हैं। और ये जो है ये अपने अपने आप को सबसे सुपीरियर भी ये समझते हैं। इनके आधे मसले हिंदुस्तानी मुसलमान के, आधे से ज्यादा मसला आज ही खत्म हो जाए अगर ये कह दें कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं बाद में मुसलमान हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। जल्दी से ये जो तरक्की करता हुई हुआ इंडिया है, इसकी ट्रेन पे इनको अब चढ़ जाना चाहिए। बहुत खूब, ये बहुत ही खूब। ये मस्जिदें मदरसे मांगने की बजाय, ये शो ऑफ करने की बजाय फलस्तीनियों का, और वो आप क्या कह रहे थे बर्मा के मुसलमानों का रोना रोने की मातम करने की बजाय अपना मातम करें अभी। आप कहाँ हैं, किधर हैं, किधर रह गए हैं, कितना पीछे रह रहे हैं, और अब कोई वक्त भी नहीं है। इन मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए दो तीन चार बातें कि ये जो है ना मजहब, अब सब सब मजहब जो है वो बराबर है, वो इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत दोस्तों। आज के प्रोग्राम में हिंदुस्तानी मुसलमानों की साइकी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 100 साल का ही अगर हम इतिहास उठा के देखें तो कभी आप हिंदुस्तानी मुसलमान को खिलाफत के लिए लड़ता हुआ देखेंगे, कभी फिलिस्तीन के लिए लड़ता हुआ देखेंगे, कभी पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान एक जद्दोजहद कर रहा होता है, कभी हम देखते हैं कि इराक, सीरिया, शाम के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ हमारे मुल्क में लाखों की तादाद में मुजाहरे कर रहा होता है। अभी हाल ही के सालों में देखें तो रोहिंग्या मुसलमानों का जो दर्द है उसे भी अपने दिल में समा के लाखों की तादाद में हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर आ गया। इससे भी अगर दो कदम आगे जाएं तो रियाद के अंदर सिनेमा हॉल खुलने वाला है सऊदी अरेबिया में, उसकी तकलीफ भी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान को होती है, उसके लिए भी वो सड़कों पर उतर आता है कि देखें जी रियाद के अंदर सिनेमा हॉल कोई कैसे खोल सकता है, ये तो इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। क्या वजह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान आजादी के 76 साल बाद भी इस मुआशरे से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है? वो मेन स्ट्रीम क्यों ना हो सका आज तक? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोगों के जहन में आते तो हैं, लेकिन उनके जो जवाब हैं शायद हमें आज तक किसी ने दिए ही नहीं। इसीलिए मैंने प्रोग्राम में दावत दी एक बार फिर पाकिस्तानी ऑथर अरशद महमूद साहब को। मैं ये समझता हूं अरशद साहब से बेहतर इस चीज का एनालिसिस कोई कर नहीं सकता। तो अरशद साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है जी। बहुत शुक्रिया अरमन साहब, थैंक यू जी। तो पहला सवाल मेरा यही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस सरजमीन हिंदुस्तान से, इस मिट्टी से अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार इतना नहीं करता जितना वो दुनिया भर के जो बाकी मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वहां के लोगों के लिए करता है। आखिर इसकी वजह क्या है, कैसे सोचता है हिंदुस्तान का मुसलमान? आपने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, सालों से आप इसके ऊपर लिखते चले आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आज जरा खुलकर तफसील से हमें बताएं कि आखिर हिंदुस्तान के मुसलमान की साइकी है क्या? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आज हम जो है इसी चीज को देखते हैं कि मुसलमानों की जो साइकी क्या है,
इनका बिहेवियर क्या है और इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। अच्छा, इसमें मसला ये है जी कि कुछ इंडियन स्पेसिफिक हैं इनके प्रॉब्लम्स और कुछ एज ए मुस्लिम यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं मुसलमान एज ए मुसलमान होने के। तो इनके कुछ रवैये वहाँ पे हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे जी। अच्छा, ये देखें कि मैं ज़्यादा बैकग्राउंड में, चूँकि हम पहले भी इसी तरह के इश्यूज पे हम बात कर चुके हैं, तो इसलिए मैं बहुत बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा हिस्ट्री की। तो चूँकि मेरे सामने जो मौजू है इस वक्त वो इंडियन मुसलमानों के बारे में है, तो मैं 1947 से ही चलता हूँ। 47 में हुआ कि ये कि जब मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म जिसको हम कहते हैं पाकिस्तानी, वो बम्बई से जब वो बाई एयर कराची पहुँचे, तो उस वक्त वहाँ डिपार्चर पर हिंदुस्तानी मुसलमान जो थे वो उनको मिले और उन्होंने उनको कहा कि जनाब आप हमें हिंदुस्तान में छोड़ के खुद पाकिस्तान में चले जा रहे हैं, तुम्हारा पीछे हमारा क्या बनेगा। क्योंकि ये चीज वाजिया हो चुकी थी कि जो सारे के सारे मुसलमान तो माइग्रेट नहीं हो सकते ना, जो मास स्केल पे करोड़ों के हिसाब से तो माइग्रेशन मुमकिन नहीं थी, ये चीज तो सामने आ चुकी थी। तो इसलिए ये जब पता चला कि बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर ही रह जाएंगे और मास माइग्रेशन पे हमारे जनाह साहब जो थे वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो उन्होंने उस वक्त मुंबई में उन मुसलमानों को जो शायद प्रो पाकिस्तान होंगे या प्रो मुस्लिम लीग होंगे आप कह लें, तो उन्होंने जब ये कहा कि आप हमें छोड़ के चले जा रहे हैं, तो जनाह साहब का बड़ा मज़ेदार है उनकी आगे से बात, उन्होंने उनको कहा कि जनाब अब ऐसा है कि आप, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहूँगा कि वो हिंदुस्तान के वफादार बन के लॉयल सिटीजन बनकर रहें। अब ये यूं मज़ेदार बात थी कि एक तरफ ये वो शख्स था जिसने दो कौमी नजरिया पेश किया था और उसकी बुनियाद पे इसने हिंदुस्तान में पार्टीशन करा के पाकिस्तान को ले भी लिया, तो अब ये जो बाकी हिंदुस्तान में जो बच जाने वाले मुसलमान थे जो इलाके पाकिस्तान में शामिल मुमकिन ही नहीं था होना, तो उनको कहता है कि आप अब हिंदुओं के साथ वफादार उस मुल्क का उस रियासत का वफादार बन के रहे, अब आप इंडियंस बन कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो इससे ये एक बात तो ये हो गई कि जिन्ना ने 1947 में रवानगी के वक्त ही दो कौमी नजरिए से को हैरबाद कह दिया या उसकी ये बता दिया कि ये अब एक्सपायर हो गया है, पाकिस्तान बनने के फौरी बाद ही ये अब ये नज़रिया जो है अब वो एडवाइस कर रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि आप इंडिया के सिटीज़न हैं और वहीं आप रहें जैसे एक वफादार सिटीज़न होता है अपने वतन में अपनी रियासत के साथ। अब ये मसला ये था कि मेरे ख्याल में कि इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों ने शायद वो जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे उनकी ये एडवाइस मुझे लगता है कि कोई सही ध्यान से नहीं सुनी उन्होंने और वो उसी उलझन में पड़े रहे और उसी शायद दुख में पड़े रहे कि ये हुआ क्या है। उनके नज़दीक शायद मुसलमान ये मुसलमानों की डिवीजन हुई थी। अच्छा चले, अब जब वो आगे अपना उधर पार्टीशन हो गई और जो थी माइग्रेशन तो हो नहीं सकती थी, बल्कि एक ख्याल ये भी है कि जो जिन्ना ने हमारे 11 अगस्त की तकरीर जो है उनकी उसमें जो उन्होंने पाकिस्तान में आके कहा कि पाकिस्तान का जो होगा वो उसका मजहब का रियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा
और आज के बाद हम पाकिस्तानी है, नो कोई हिंदू हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान मुसलमान नहीं है। तो कहते हैं कि इसका भी मतलब यही था कि जो माइग्रेशन है वो ना होने पाए। तो माइग्रेशन को रोकने के लिए जिन्ना साहब ने 11 अगस्त की वो जो स्पीच है वो दी यस। कुछ दानश्वरों का ये ख्याल है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि जब इंडिया जो है वो एक उन्होंने सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करा दिया और इंडिया को एज ए सेकुलर स्टेट के तौर पे उसको उन्होंने बना लिया, तो उसमें क्या हुआ कि फिर मुसलमानों का जो प्रॉब्लम है, अब इंडियन स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्होंने सेकुलरिज्म का जो लफ्ज है उसको बहुत मिसयूज किया हिंदुस्तानी मुसलमानों ने। वो यूं है कि देखें, सेकुलरिज्म के दो मतलब ही होते हैं दुनिया भर में। एक तो ये कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मजहब जो है वो आपका पर्सनल मामला है, हर किसी का, इट्स ओके। और ये कोई डिस्कसेबल भी ये चीज नहीं होती। बाहर वेस्टर्न सोसाइटियों में जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं वहां मजहब के बारे में पूछना आपका मजहब क्या है तो वो उसको भी मायूब और गलत समझा जाता है, बिल्कुल किसी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म का मिसयूज किया। इस मानों में मिसयूज किया कि सेकुलरिज्म के मानी होती हैं कि मजहब जो है वो एक पर्सनल मैटर है, और दूसरा सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है, उसकी दूसरी डायमेंशन ये होती है कि तमाम मजाहब जो हैं, हर किसी का मजहब जो है वो इक्वली रिस्पेक्टेबल है, सेकुलरिज्म का ये मतलब होता है। अब मुसलमानों ने क्या मतलब निकाला इससे, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, उन्होंने इसको एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे को यूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने सेकुलरिज्म का मतलब ये लिया कि भाई इंडिया सेकुलर है, अब सेकुलर रियासत है, लिहाजा इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को जो है मुसलमान जैसे रहना चाहें, जिस तरह रहना चाहें और अपने मजहब के मुताबिक रहना चाहें, उनको रखने की इजाजत दी जाए। मुसलमानों ने यह समझ लिया, यानी कि ये अपने गेटोज में भी रह सकते हैं, ये अपने जहां कहीं रहें, इनकी जात हो या एज ए सोशल इनकी एंटिटी हो, वो इनके जो मजहबी ख्यालात हैं या जिसको हम शरीयत कहते हैं, ये शरीयत के मुताबिक इनके सारे कवानीन बने, ये सारे उसी तरह रहे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस्लाम के नाम पर और एज ए मुसलमान होने के नाते इनको ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दी जाए। इन्होंने सेकुलरिज्म का मतलब ये निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, इस अब होता ये है कि जब ये ओवर द ईयर्स ये मामला चला और इंडियन जो हुकूमतें थी उन्होंने भी यही किया कि इनको ज्यादा से ज्यादा इनके जो प्रिविलेज जो कह लें उनको जो है, या फ्रीडम कह लें, मजहबी फ्रीडम कह लें, इनको देनी शुरू कर दी। और इनके जो मुतालबात इस्लामिक बेस, इनके जो मुतालबात होते थे शरिया बेस, उनको तस्लीम करना शुरू कर दिया। इनको मस्जिदें मदरसे ये जो चाहे मर्जी करें, हलाल खाएं, जबिया करें, ठीक है, ये सब चीज़ों की इनको इजाज़त होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, कोई इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नाम की कोई चीज़ ना हो। इनके नज़दीक सेकुलरिज्म का मतलब ये था, जो बिल्कुल ही उलट था सेकुलरिज्म के एक्चुअल मीनिंग से। तो होता यह है कि अब जब इस तरह की सोसाइटी, इस तरह इनके मुसलसल डिमांड्स हुए और वो डिमांड्स जो है आपकी हुकूमतों ने, इंडियन हुकूमतों ने मानने भी शुरू कर दिए, तो हुआ ये कि जो मेजॉरिटी है थी हिंदू मेजॉरिटी जिनका वो देश है, उन्होंने उनका रिएक्शन आना शुरू हो गया, क्योंकि ये हर चीज, ये इन्होंने मुसलमानों का मुतालबा हर चीज का ये था कि ये हम अलग हैं, हमारी चीज अलग है,
और जैसे हम चाहते हैं इस्लाम बेस्ड, उसी तरह हमारी हर तरह की ज़िंदगी जो है वो एजुकेशन हो, वो सोसाइटी में हो, वो पॉलिटिकल हो, वो हमारे मोहल्ले गलियों में हो, वो जैसा हम चाहें वैसा होना चाहिए। तो उधर से मेजॉरिटी की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो गया। वो इनकी इस जो थी अपना इस इनकी जो पैम्परिंग थी और अपीजमेंट जो थी इनकी मुसलसल होनी शुरू हुई, तो उधर से उन्होंने जाहिर है कि वो अनायड हुए कि ये क्या, ये इंडियन सोसाइटी का क्या ये लोग हिस्सा नहीं है, पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी नहीं है, इंडियन नेशनलिज्म का ये हिस्सा नहीं है, ये उस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं आते, इनके साथ हर वक्त जो है वो एक अलग से ट्रीटमेंट की जाए। और उस ट्रीटमेंट का मतलब ही ये हो कि ये जो है ये अलग से अपना एक इस्लामिक जो आइडेंटिटी है वो इसको कायम दायम रखे। अच्छा, ये इनकी इस तरह की ये होने के बाद होता ये है कि मैं एक यूनिवर्सल इनका प्रॉब्लम है मुसलमानों का। मुसलमान जो है ये बुनियादी तौर पे नार्सिस्ट हैं। इस्लाम में एक नार्सिज्म है देता है अपने ईमान वाले को, अपने फेथफुल को। वो ये कहता है, ये समझे इस्लाम इनको कहता है कि इस्लाम जो है वो दुनिया का सुपीरियर मजहब है, नंबर वन। नंबर टू, इस्लाम कहता है कि दुनिया, इस्लाम के अलावा दुनिया के जितने मजहब हैं वो सारे काफर हैं। लफ्ज काफर यूज करता है, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि वो जैसे इलीगल मजहब नहीं होता, किसी को कह दिया जाए या तेरा मजहब ही इलीगल है, तो ये उसको हराम मजहब समझते हैं, काफर समझते हैं। और इस्लाम ये का ये कहना है, उसका मिशन है, ये हर मुसलमान को ये पढ़ाया जाता है कि ये जो बाकी के मजाहब हैं ये बातल हैं, ये झूठे हैं, और इनको मिटना, इनका मिटना और इनको मटाना वो भी मुसलमान का फर्ज है। ठीक है जी। अब ये एक नरगसियत इससे पैदा होती है, एक सेल्फ लव की शक्ल, कि हर मुसलमान जो है वो अपने आप को बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी ह्यूमैनिटी से अपने आप को सुपीरियर समझता है कि मैं एक स्पेशल किस्म का मजहब लेकर, मेरे पास एक ऐसा स्पेशल किस्म का मजहब है जो किसी और के पास उसके मुकाबले का मजहब नहीं है। तो ये इनका ईमान होता है। अब ये मसला, ये जो नार्सिज्म है, ये मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इनको दुनिया के साथ, आज 1400 साल हो गए हैं इस्लाम को, ये आज के दौर में जो दुनिया के साथ ये मिलके नहीं बैठ सकते, मिलके रह नहीं पाते, दुनिया के किसी मुल्क में भी हो। आपने अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुनी होगी जिसमें उसने कहा है कि ये मुसलमान जो हैं ये कंपैटिबल नहीं है हमारी सोसाइटियों में, रहने के काबिल नहीं है ये यूरोपियन सिविलाइजेशन के लिए, और मुसलमान ही नहीं इस्लाम भी कंपैटिबल नहीं है। तो बात ये है कि ये सारी ये इनके ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि अपने आप को सुपीरियर करार देना। अब मसला ये हो गया है कि जमाना गया है बदल, दुनिया गई है बदल, खिलाफतें, इस्लामी बादशाहतें, इस्लामी खिलाफतें, इस्लामी फतवात जो थी, कब्जे करने जो थे, हमले करने, इन्वेट करना, भाई वो पुराने ज़माने की बातें हैं, दुनिया उसको छोड़ चुकी है, वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। इन मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए दो तीन चार बातें कि ये जो है ना मज़हब अब सब मज़हब जो हैं वो बराबर है, वो इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं, और हर इंसान को उसका हक है कि उसका जो भी मज़हब, जो भी अकीदा वो पे चलना चाहे, पुरअमन तौर पे पीसफुल रहना है, उसके मुताबिक वो चले। तो ये मुसलमानों की ये जो प्रॉब्लम है, ये एक रुकावट बनी हुई है, जो आपने सवाल किया था कि हमारी ये इंटेग्रेशन जो है ये मुसलमान क्यों होने नहीं हो पा रहा। इससे अगला फिर एक और मसला है मुसलमान का मसला ये है, वो शनाहत का मसला है जी। बहुत ये मैं बहुत सुनता हूँ जी मुसलमानों से, अपने पाकिस्तान में भी और बाहर भी।
वो ये है कि जी ये बड़े आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस है इनके अंदर, एक कॉन्शियस है आइडेंटिटी के बारे, अपनी आइडेंटिटी के बारे में। आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड ही मुसलमान जहां कहीं दुनिया में रहता है ये शो ऑफ करता है एज ए मुस्लिम दुनिया को। सड़क पे रोड पे ये नमाज पढ़नी शुरू कर देगा, टैक्सी के ऊपर ऊपर चढ़ के उसके शुरू कर देगा नमाज पढ़नी, प्लेन में फजा में प्लेन है और उसकी जो राहदारी छोटी सी होती है उसके बीच खड़ा होके उधर नमाज पढ़नी शुरू कर देगा। अच्छा ये क्यों करता है मुसलमान? मुसलमान में ये वो जो उसकी जो नार्सिसिज्म ने इसका कहा है और इसका आइडेंटिटी प्रॉब्लम, ये समझता है कि मैं जब तक मुसलमानी मैं शो नहीं करूंगा अपनी अपना उस वक्त तक आई एम नो वेयर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कोई चीज नहीं हूं, मुझे शो करना है कि मैं मुसलमान हूं। और मुसलमान होने का शो कैसे करना है? वो शो करना है जो सिंबल्स हैं इस्लामिक वर्शिप के उसके उसको शो करके डिस्प्ले करके दिखा के कि भाई मैं मुसलमान हूं। अच्छा जब अगर इनको कहा जाए कि भाई साहब ये आप ये क्या कर रहे हैं, तो ये कहेगा कि फिर मेरी आइडेंटिटी क्या रह गई मेरी, मैं दुनिया को पता कैसे चलेगा कि मैं मुसलमान हूं। तो एक ये जो शनाहत का इनका मसला है, अब इनको ये बताना होगा हमें या इनके दानिशवारी मुसलमान ही बताएं इनको कि भाई साहब जो आज के दौर में शनाहत कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज के दौर की शनाहत जो है वो इंसान होना काफी है एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और दूसरी शनाहत ये होती है ज्यादा से ज्यादा नेशन स्टेट की शनाहत हो जाती है, आपका मुल्क कौन सा है, आप फ्रेंच हैं, आप इंग्लिश हैं, आप जर्मन हैं, आप इंडियन हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, दैट इज एनफ शनाहत, और हमें आइडेंटिटी की क्या जरूरत है। तीसरी अगर कोई आइडेंटिटी आज के दौर में इंसान की है ना, तो वो उसकी काबिलियत है, उसकी सलाहियतें हैं, तो भाई तुम हो कौन, तुम अपने लिए और दुनिया के लिए कर क्या रहे हो, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, तुमने दिया क्या है इंसानों को, दे क्या रहे हो, ये है आइडेंटिटी जो दुनिया में जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है जो दुनिया। अच्छा जी देते भी कुछ नहीं है, इनके पल्ले भी कुछ नहीं है, इनके कोई कोई हुनर नहीं है इनके पास, ना ये लेते हैं, और ये जो है ये अपने अपने आप को सबसे सुपीरियर भी ये समझते हैं। तो ये चीजें जो है ये इनको मुसलसल दुनिया भर से, जैसे सच्ची बात है मैं खुद मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ कि मुझे लगता है कि मुसलमान कुछ अरसे बाद जो अगर इन्होंने यही रवैये रखे तो ये तो जिसको आप पुराने जमाने में हिंदुस्तान में अछूत नहीं जिसको कहते थे, ये तो वैसे ही बन जाएंगे। लोग कहेंगे अच्छा ये मुसलमान है यार इसको परे रखो। अब देखें कि आपके हाँ इंडिया में एक और जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंडियन स्पेसिफिक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफी अरसे से, वो है मस्जिद मंदिर का मसला, ठीक है। ये कुछ दहाइयां पहले ये अच्छा खासा बाबरी मस्जिद के और राम मंदिर के मामले में ये बहुत बड़ा एक हंगामा इंडिया के अंदर ये हुआ, ठीक है, दोनों तरफ से हुआ है। अब इस पे भी मैं इन आपके हिंदुस्तानी मुसलमानों को दो चार चीजें समझाना चाहूंगा। वो ये है कि भाई ये जो था ना कि एक हिस्ट्री चली आ रही है पूरी इंसानों की, पुराने जमाने में जिस मजहब के लोग हमला करते थे दूसरे पे और कब्जा कर लेते थे और उनको महकूम बना लेते थे, ये आम सी एक बात होती थी कि वो अपनी फतह को असर्ट करने के लिए कि अब आप मेरे महकूम हैं, अब मैं आप पे काबज हूं, तो वो जो उनके टेंपल्स होते थे जो भी वर्शिप हाउसेस थे जिस भी शक्ल सूरत के, वो उनको अपनी जो है आबादतगाहों में कन्वर्ट कर दिया करते थे। मैं अभी चंद माह पहले मैं मिस्र गया था जी, इजिप्ट, तो वहां आप देखें कि 4-5 हजार साल पुरानी उनकी सिविलाइजेशन जो है,
तो उन्होंने मुझे दिखाए टेंपल्स गाइड ने, ठीक है, क्लोपेट्रा के जमाने के, फिरौनों का जो जमाना था वो बताए, तो उसने वो मुझे उसने सिमत दिखाया कि ये देखें कि जब इनके बाद रोमन्स आए, उन्होंने कब्जा किया, क्रिश्चियन रोमन्स ने, तो उन्होंने सेम उनके जो टेंपल्स थे उनको चर्च में तब्दील कर दिया, और वो चर्च के सिंबल उसने बकायदा मुझे दिखाए, और जो उनके पुराने जो सिंबल्स थे कोई देवी देवताओं के होंगे उनको बकायदा स्क्रैच किया हुआ था, ठीक है, कोई भी म्यूजियम में और इजिप्ट में जाके ये देख सकता है। अच्छा, अब फिर उसने मुझे ये बताया, तीसरी स्टेज फिर ये आई कि जब क्रिश्चियनों का जमाना खत्म हुआ, मुसलमान आ गए, तो वही जब इजिप्ट के जो चर्च थे उनको मस्जिदें में बना दिया गया। अभी हाल ही में रिसेंटली आपको पता है अर्दवान ने तुर्की में हैगिया सोफिया एक बहुत मशहूर चर्च है, हिस्टोरिकल उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसके एक हिस्से को उसने मस्जिद में बदल दिया सबके सामने, सारी दुनिया के सामने। ये तो अभी ताजा आपको हाल है। हाँ हाँ, और हमारे यहाँ पे बड़ा उस पर खुशी का इजहार भी किया गया मुसलमानों की तरफ से। हाँ, देखें मतलब कि इनकी दोगलापन देखें इनका, ठीक है। तो बात यह है कि इनको समझना चाहिए कि ये जो अगर आज कुछ मस्जिदें पुरानी, और वो अच्छा जी मस्जिदें भी वो हैं, कम से कम बाबरी को तो मैं यही जानता हूँ कि वो रोइंस हैं, उसमें ना पता नहीं कई सदियां पहले कहीं नमाज पढ़ी गई होगी, वो तो रोइंस था, खंडर था बाबरी मस्जिद, तो उस पे इतना हंगामा, इतना मातम, इतना किया गया और है आज भी शायद आपके यहाँ। तो बात यह है कि इनको समझाने की बात है कि जनाबे मन, जब जिस पे जिस दौर पे आप फहर करते हैं वो 800 हजार साल वाला बार बार दोहराते हैं उसको, तो उसमें ये सब कुछ हुआ था, आप लोगों ने ये किया था इनके बड़ों ने, ठीक है। तो वो उन्होंने टेम्पलों को कन्वर्ट किया था और मस्जिदें बनाई थी, और अगर आज जो हिंदू है वो अगर अपने एक ओनरशिप ले रहा है या अपना वो 800 हजार साल का एक गुस्सा निकाल रहा है, मैं उसे यूं समझूंगा, वो एक अपना एंगर निकाल रहा है और एक ओनरशिप ले रहा है अपनी जमीन की, अपनी धरती की, अपने वतन की, तो प्लीज मुसलमानों को चाहिए, इंडियन मुसलमानों को, कि उसे इग्नोर करें इस फैक्टर को। कुछ नहीं हो जाता, आपके पास मस्जिदों की कोई कमी नहीं है मेरे ख्याल में। तो हमारा तो हाल ये है मस्जिदें बनाने का कि जी मैं इंग्लैंड में गया तो मैनचेस्टर में मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, एक स्ट्रीट दिखाई, कहने लगे कि ये इस स्ट्रीट में, एक स्ट्रीट में 10 मस्जिदें हैं और 2-3 किलोमीटर के रेडियस में को 20-22 मस्जिदें हैं। ये हालत है बरतानिया का, या ये हालत है हम मुसलमानों की हरकतों की, के सिवाय मस्जिदें बनाने के सिवा इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो ये मुसलमान, इंडियन मुसलमान जो हैं कि भाई ये सब करते रहे हैं, आपने ही नहीं किया, हमने ही नहीं किया, सब हमेशा से होता रहा है, ठीक है जी। आइडेंटिटी की, जी आइडेंटिटी की आपने बात की, तो एक मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहता हूं ताकि लोगों को समझ में आए कि किस हद तक हमारे यहाँ का मुसलमान अपनी शिनाख्त को लेके, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज्ड है। बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर रहे हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब, एक मर्तबा उनका हिंदुस्तान आना हुआ तो हमारे गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान साहब, उनके घर पे शाम को दावत हुई, तो दावत के बाद इसरार साहब से पूछ लिया आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कि मौलाना साहब ये बताएं कि मेरी पहचान क्या है। तो एक मर्तबा तो वो जो है सकते में आ गए कि यार मैं क्या इसका जवाब दूं, फिर कुछ सोच के कहते हैं इस्लाम, इस्लाम है आपकी शिनाख्त। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, और आपकी शिनाख्त क्या है, कहते हैं पाकिस्तानी, और क्या। तो उन्होंने कहा कि आपकी पाकिस्तानी है
ईरान में जो मुसलमान है उसकी ईरानी है, कोई अफगानी है, कोई तुर्की है, कोई अरबी है, मेरी ही शिनाख्त जो इस्लाम है क्यों है, बाकी सबकी क्यों नहीं है? मौलाना साहब, अब आप जो कर रहे हैं उसे कहते हैं मुनाफकत। मेरी शिनाख्त हिंदुस्तानी क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? Yes, जब आपकी exactly. पाकिस्तानी है तो मेरी हिंदुस्तानी क्यों नहीं हो सकती? तो ये उसकी मुस्लिम होगी, इंडियन मुसलमान की मुस्लिम होगी। बिल्कुल, अब आप इससे अंदाजा लगा लें अरशद साहब। बिल्कुल सही है। तो ये इनकी साइकी है मुस्लिम की। वो मैंने ये जो सारे फैक्टर बताए हैं ना, डोमिनेशन की, अपने आप को सुपीरियर समझना, अच्छा ये सारी चीजें वक्त ने गलत साबित कर दी है और एक्सपायर हो चुकी हुई है, लेकिन हमारा मुसलमान जो है वो इन पे डटा हुआ है आज भी, और जो है अपनी इज्जत खो रहा है मेरे तो ख्याल में दुनिया भर से। ठीक है, अब अच्छा ये इनका इनकी नरगसियत से ये भी होता है कि ये फौरी तौर पे ना ये विक्टिम कार्ड खेलने में बड़े माहिर हैं हम मुसलमान जो है। ठीक है, और हम मजलूम बन जाएंगे। अच्छा, अब ये एक इनका, और तीसरी इन्होंने चीज पर है वो है इस्लामफोबिया। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था सरहद के उस पार से, और बात हो रही थी आज इंडिया के मुसलमानों की और उनके मसाइल और उनकी सोच और उनके नजरियात, और एक कॉमन प्रॉब्लम है जो इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम में कॉमन पाई जाती है, वो है कि अपने देश की बजाय दूसरों का दर्द सबसे पहले महसूस करते हैं, उसके लिए जलसे जलूस और क्या क्या नहीं होता, लेकिन अपने ही लोगों का दर्द शायद हम उस तरह से महसूस नहीं करते। एक छोटी सी मिसाल है, रिसेंटली अभी जैसे बलोच हमारे इस्लामाबाद में आकर बैठे हुए प्रोटेस्टर, और हमने उनको गद्दारे वतन डिक्लेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जैसे और दूसरी तरफ हमारे इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि वो लोग मजलूम हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है, और अब उनका पुरसाने हाल भी कोई नहीं है, उनका वो दुखों का मदावा करने वाला भी कोई नहीं है। एक तो है कि दुख मिल गया, लेकिन कोई मरहम रखने वाला मिल गया तो चले, कुछ दुख में कमी होगी, कोई दुख सुनने वाला भी नहीं है उनका। लेकिन आज भी अगर यहाँ पे फलस्तीन का दुख हाय मार दिया, हाय मर गए, गलत है, जुल्म हो रहा है उनके लिए, उनके खिलाफ, लेकिन जुल्म यहां भी तो हो रहा है। आज हमने अपने ही मुल्क से अफगान भाइयों को निकाल दिया है, लेकिन दर्द तो होना चाहिए ना हमें भी कि यार कैसे रुल गए ये तो जन्म लिया इन्होंने हमारे ही पाकिस्तान में, अब तो ये पाकिस्तानी शहरी हैं, क्या ताल्लुक है इनके अफगानिस्तान से, लेकिन हमने बगैर सोचे समझे उनको भी पार कर। तो ये वो वजह है कि आप देखिए जो हिंदुस्तानी मुसलमान है और पाकिस्तानी मुसलमान है, कॉमन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको तो दर्द होना चाहिए अपने मुल्क का, आपको दर्द होना चाहिए अपने, जो जिन्होंने भी कह दिया कि भाई तुम आप हिंदुस्तान के साथ लॉयल हो जाओ, तो दो कौमी नजरिया गया जहां उसने जाना था। तो वजह यही है कि उन्होंने भी, जैसे उन्होंने कहा कि आधी से ज्यादा उनकी जो आजमाइश है यही भी खत्म हो जाए, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं, फिर हम वहां पे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, कि जब वो कह दें कि भाई हम सबसे पहले भारतीय हैं और फिर हम मुसलमान हैं, यहां भी किसी से पूछा जाए कि पहले मजहब है या पहले पाकिस्तान, तो बड़ा ही जज्बे के साथ बोलते हैं लोग, भाई मजहब सबसे पहले है, पाकिस्तान जाए पहाड़ में। तो मजहब तो आपका पर्सनल है, सोचने दिमाग की जरूरत है कि आप उसको किस हद तक बिलीव करते हैं, लेकिन जो आपका मुल्क है, जो आपको वतन मिल गया है, ये आपको सबसे पहले रखना चाहिए, उसके लिए आपका मजहब तो कोई नहीं छीन रहा। ऐसे ही जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, जिसने तो वो सोच छोड़ दी, वो आज देखिए कहां से कहां पहुंचे हुए हैं, वो मेन स्ट्रीम में भी है, ये नहीं कि वहां का मुसलमान मेन स्ट्रीम में नहीं है, मेन स्ट्रीम में है वो मुसलमान, लेकिन जो सोच, जिनकी सोच पे ताले लगे हुए हैं, जो आज भी वैसे ही सोचते हैं जैसे पाकिस्तानी सोचते हैं, तो फिर वो कट कर रह गए। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे पैदा करने पे ही जोर रखा हुआ है, और किसी तरफ ना उनकी तालीम तरबियत शऊर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गाजा के मुसलमानों का दुख, लेकिन अपने वतन का दुख नहीं है। तो ये सरासर मुनाफकत ही है। हमें ये शरीयत में भी हमें कहा गया है कि तुम्हें जो बादशाह मिले उसका ताबेदार होना,
जब तक वो तुम्हें तुम्हारे आहकामात पे पाबंदी ना लगे। आहकामात क्या है? जो दीनी आहकामात है, तुम्हारी नमाज पढ़ने पे पाबंदी है जी, फिर तुम उसके खिलाफ जा सकते हो। तुम्हारे जो भी इस्लामी रुकन है उनको आप पूरा नहीं करने दिया जाएगा, फिर आप उसके, लेकिन उसके अलावा तुम्हारा किसी भी मजहब से तल्लक रखने वाला तुम्हारा बादशाह है तो तुम उसकी अताअत करोगे, ये हमें हुक्म दिया गया है। लेकिन शायद हमें समझने में और हमें दीन को पढ़ने में और समझाने वालों में ही कमियां हैं कि हमें उस ट्रैक पे नहीं लगाया गया। लाखों जब हम देखता हूं मैं प्रोटेस्ट करते हुए लोगों को, तो शायद अपने मसाइल पे भी कहीं इस तरह से निकले लोग। आज अगर मैं भारत की बात नहीं करता, अपने पाकिस्तान की ही बात करूं, आज जितने मसाइल में घिरा हुआ मेरा देश है, तो आज मेरा मुल्ला मौलवी कहाँ पे है? क्या उसको आज वो लाखों की तादाद में अपने मदरसों के बच्चों को लेकर निकल नहीं सकता कि आज जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ भी तो मुझे जाना चाहिए, आज जो लाकानूनियत है उसके खिलाफ भी तो मुझे बात करनी चाहिए। लेकिन ये उस वक्त निकल आते हैं जब ये देश किसी ट्रैक पे चल रहा होता है, और हमारे यहाँ भी यही था। और क्या कह सकते हैं, और फिर ऊपर से मजहबी चूरन विक्टम कार्ड सबसे पहले हम खेलना में तो माहिर हैं। अरशद महमूद की बात बिल्कुल ठीक है, अगर ये जो गोल्डन टाइम है, अगर ये जो ट्रेन अब तेजी से दौड़ रही है, भाग कर इस पर चढ़ जाओ अगर चढ़ना चाहते हो तो, नहीं तो फिर पीछे ही रह जाओगे। बिल्कुल ऐसी है, ये देखिए ये जो इंतजार फैलाने वाले लोग हैं ना, ये इंतजार फैलाते रहेंगे, ये नहीं बाज आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी सियासत करनी है, उन्होंने भी फ्रंट पेज पे आना है, उन्होंने भी अपनी दुकानें जो सरगर्म करनी है। लेकिन बात यह है कि ये अब आपको रियलिटी में सब कुछ नजर आ रहा है कि भाई पिछले इतने वक्त में कुछ नहीं इन्होंने किया, तो आज अगर मोदी जी ने किया है, मोदी जी की टीम जो है वो आज कुछ अगर कुछ कर रही है, अगर आपको योजनाएं दे रही है, आपको सहूलियात दे रही है, आपको हर चीज़ की सहूलत मिल रही है, तो भाई फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये जो है ये बीजेपी जो है ये एंटी मुस्लिम है, या ये सिर्फ अपने ही सोचते हैं, अपने लोगों को ही सिर्फ सोचते हैं, हर खासो आम को ये सहूलियात मिल रही हैं, तो फिर ये बात नहीं होनी चाहिए कि भाई जो ऐसे कहना चाहिए कि भाई मोदी जी जो हैं वो हाईजैक कर रहे हैं राम जी को, मोदी जी जो है वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि मोदी जी का जो है अब मोदी जी अब लेके चल रहे हैं, अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम जो है रोशन कर रहे हैं, और अब इंडिया को कितना आगे बूस्ट कर। ये कि हमने जो देखना है कि जो मुस्लिम है, अब देखिए हमने अपने आप को हम ठीक नहीं करते, ठीक है, और हमने दूसरों का ठेका लिया हुआ है, और देखिए कि दूसरे को जैसे कहते हैं दूसरों की आग में छलांग लगाना वो हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अपना घर जल रहा है उसको बुझाने के लिए हम जो है ना वो कुछ नहीं करते। इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमें जो है ना, देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि भैया अब आप मुस्लिम हो, अब वहाँ पे हो, अगर 20 करोड़ हो, 24 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, तो अब आप उस मुल्क का हिस्सा हो, वहाँ के आप शहरी हो, वहाँ के आप नागरिकता रखते हो, तो आपको उस मुल्क की बेहतरी के लिए उस मुल्क के कानून और लॉ को फॉलो करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपको देखें एज ए मुस्लिम आपको दर्द होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब दूसरा जो है ना हमसाया है उसका घर अगर जल रहा है तो हम अपने घर में भी आग जला लें, तो ये वजह नहीं है, आग नहीं लगा लें। हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को जो है ना शिक्षा देने की ज़रूरत है, हमें अपने बच्चों को काबिल बनाने की ज़रूरत है, और जो इंतहा पसंदी उनके अंदर जो भर दी गई है, जो उनको डेवलप कर दी गई है जिस तरीके से भी हो गई है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो कैसे ख़त्म हो सकती है? वो तालीम से ही ख़त्म हो सकती है, तालीम से ही शऊर आ सकता है। और इन चीज़ों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये अब देखें हमारा मुल्क इस चीज़ से को भुगत रहा है, खुदारा देखिए पाकिस्तान का हालात आपके सामने है, यही वजह है कि हमारे अंदर कट्टर बनता है। आज देखिए हमें हर चीज़ का दुख है, हमें हर अरे गहरे का दुख है, अगर दुख नहीं है तो अपने वतन का नहीं है, अगर दुख नहीं है तो अपने जो पाकिस्तानी हैं या अपने जो हमसाए हैं समझ लें, जो आप बलूचिस्तान वाले हैं, सिंध वाले हैं, केपीके वाले हैं, वो भी मुसलमान हैं, अगर यहाँ पे रह रहे थे अफगानी तो वो भी मुसलमान हैं, अब तो वो पाकिस्तानी थे, अब उनको अफगानी कहना भी ज्यादती है। तो चीज़ ये है, इन चीज़ों का हमें कैसे दुख होगा, हालात आप लोगों के
हिंदुस्तानी भाइयों, आप के सामने है कि पाकिस्तान के आज देख लीजिए क्या हालात हैं। हमारी तलीमी निज़ाम में भी हमें वही पढ़ाया गया, हमें तारीख भी उल्टी पढ़ाई गई, हमारे अंदर वो चीज़ें जो है ना हमारे खून में शामिल कर दी गई कि फौरन से हमारा खून जो है ना वो गर्म हो जाता है। किस लिए कि जी फलस्तीन पर ज्यादती होगी, किस लिए जी वो बर्मा के मुसलमानों पर ज्यादती होगी, किस लिए जी कि वो जी कश्मीर में जुल्म हो गया जी। तो आज अगर हमारा खून क्यों नहीं खोल रहा, क्यों यहाँ पे मुसलमान मुसलमान आपस में है, तो ये चीजें भी देखनी चाहिए। जहां पे गलत हो रहा है हमें यही बताया गया है, हमें यही सिखाया गया था, हमारे दीन ने हमें यही सिखाया था, लेकिन हम चंद इन मुल्लाओं और सियासतदानों की बातों में आए हुए हैं, इनकी बातों कई सुनी बातों पर लगे हुए हैं, खुद से हमारी कोई सर्च नहीं है, ना ही हमने पढ़ा लिखा है और ना ही हमने उसको सर्च की है कि हमें पता चल सके। देखिए जितने भी काबिल बंदे आपको मिलेंगे जिन्होंने पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री को सर्च किया हुआ है, तो वो आपको यही बात करते हुए नजर आएंगे कि भैया आपको सबसे पहले मजहब वाली ट्रेन से उतरकर मुल्क वाली ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, फिर ही आप कामयाब हो सकते हो, क्योंकि जब एक खित्ता कामयाब होगा तब ही वहां के अंदर जो है ना अमन अमान काम हो सकता है और तरक्की की जा सकती है। फिर आप जो है ना मजहब आपका पर्सनली मैटर है, उसका जवाब दे आप हो अल्लाह ताला की जात को या जो भी आपका बनाने वाला है उसको आपने जवाब देना है, दूसरे का जवाब जो आपने जवाब नहीं देना। हाँ लेकिन अगर किसी के यहाँ कुछ ज्यादती हो रही है, आपके हमसाये के साथ हो रही है, तो उसका जवाब दे आपको होना पड़ेगा। लेकिन हमें इन चीजों से हम बहुत दूर निकल चुके हैं, हमें जहां पे जाती फायदा हो उसको हम दीन के अंदर घसेड़ कर उसको भी नया रंग दे लेते हैं, लेकिन जहां पे हमें फायदा ना हो वहां पे चाहे भी हमारा हम मजहब ही हो हम उसको भी पीछे छोड़ देते हैं। जैसे कि आज देखिए कि हमारे आपके सामने सारी मिसालें हैं कि हमारे मुंतखिब जो है ना ये निगरान वजीर आला साहब वहां से होने के बावजूद भी कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। तो यही चीजें हैं कि जब तक हम मजहब को पीछे छोड़कर इंसानियत के लिए काम नहीं करेंगे तब तक ये चीजें हल नहीं हो सकती, तब तक ये सियासतदान फायदा उठाते रहेंगे और ये मसाइल भी जन्म लेते रहेंगे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे शऊर हासिल करेंगे तो फिर हम इन मसाइल को भी हल काबू पा सकते हैं। कब? जब हम अपने आने वाली नस्लों को बाशऊर करेंगे। आज का जो हम नौजवान है उसके हमारे माइंड के अंदर हम जितना भी बदलना चाहें हमारे अंदर कहीं ना कहीं से फिर भी वो चिंगारी जो है ना भड़क उठती है, लेकिन अगर हम आने वाली नस्ल को बेहतर तरीके से उनकी परवरिश कर लें तो यही चीजें हमें सिखाया गया है कि जिसने अपनी औलाद की परवरिश अच्छे तरीके से की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें इस काबिल बनाया कि वो अपनी जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अजर है। लेकिन अफसोस कि हम एज ए इंसान एज ए मुआशरा हम कहाँ पे चले गए हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंसान सब बराबर हैं, मजहब सब बराबर हैं, हर जगह पे जहाँ पे भी आप पढ़ोगे, कुरान पाक में भी पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा, गीता में भी पढ़ोगे आपको यही मिलेगा, बाइबल में भी पढ़ोगे तो यही मिलेगा। लेकिन अफसोस है कि हम दुनियादारी जो दुनियावी लोग हैं अपने अपने फायदे के लिए उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और उनसे जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देखिए हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसको आज आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और मैं नहीं समझता कि नहीं बढ़ रहा, आगे बढ़ भी रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह वो खुलकर मोदी जी की सपोर्ट में आ गए हैं, उन सारी चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए जो उसके मन में भरी गई हैं, फिर भी इसके बावजूद आज वो मोदी की सपोर्ट में वहाँ का मुसलमान है, तो इसका साइन यही है कि वो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ रहा है। अब उसके अकल के जो ताले हैं वो खुल रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है। अब देखिए जो अवैसी पार्टी है या उस वो जो बयान देते हैं और या जिस तरह से वो एक भड़काओ माल रखते हैं, किसी टाइम तो वो ऐसे हो जाता है, हम भारतीय, हम ऐसे, हम वैसे, हम भारतीय मुसलमान, इस देश पे हमारा हक है, लेकिन जब टाइम आता है देश का तो भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है। तो यही वो सारी चीजें हैं, यही वो दोगलापन है, यही मुनाफकाना रवैया छोड़ना पड़ेगा। जो छोड़ देगा उसकी तो सब खैर है, जो नहीं छोड़ेगा फिर वो वहां के लोगों को भी बातें सुनेगा और वहां भी उसको ये सारी चीजें फेस करने पे, और अपने ही मन में वो हमेशा से कटके रहेगा कि भाई जब पाकिस्तान बना था तो मैं वहां का भी नहीं जा सका और मैं यहाँ, और फिर जो दो कश्तियों का
सवार होता है, जो कहते हैं दो घरों का मेहमान होता है वो हमेशा भूखा ही सोता है। तो जहाँ है वहाँ के होकर बन जाइए और अपने देश का सोचिए और अपने देश की तरक्की के लिए और उसकी खुशहाली के लिए कोशिश कीजिए। आज हमारा देश देखिए जो है वो किस तरह से जल रहा है, सिसक रहा है और बेबस हैं यहाँ के लोग, लेकिन भारत आज गोल्डन टाइम है, पूरी दुनिया में गोल्डन टाइम है और आने वाला टाइम उससे भी बेहतर नजर आ रहा है। तो वहाँ का जो मुसलमान है उसको तो अपने रब के लाखों शुक्राने अदा करने चाहिए कि हमें ऐसा लीडर मिला है जो हमें आगे लेकर जा रहा है। आई होप सो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।